سارن مرداباد 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 امر سارے ہوش نہ ہوش نہ ہوش نہ امر سارے چھاتر سکیڈیا کرنا بند کرو بند کرو بند کرو پیسہ دینا کرنا بند کرو بند کرو بند کرو چھاتر ایک دا زندہ باد زندہ باد زندہ باد چھاتر سونا سمیتی زندہ باد زندہ باد زندہ باد 60 40 نیوجن نیتی نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا 60 40 نیوجن نیتی نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا देखिए आज हम लोगों ने हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। आज जिस तरह से हमारे हेमंत सरकार ने जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर के 60-40 का जो रेशियो लाकर के हम लोगों को गुमराह किया गया है, उन्होंने पूरे प्रदेशों में खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर के पूरा खतियानी जोहार यात्रा पूरे प्रदेशों में यहाँ के आम जनता को यहाँ के हमारे जैसे नौजवान छात्र छात्रों को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। आज भी उन्होंने हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने जो अपना कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से झारखंड के नौजवानों से उन्होंने जिस राय पे मशवरा के बात किया था वो भी उनका फर्जी निकला। उन्हें बोला कि 72% मेरे यहाँ के लोकल छात्र छात्राओं ने हमें समर्थन दिया, तो 2016 के पहले वाला नियोजन नीति के आधार पर आप यहाँ का नियोजन नीति बनाइए। भैया झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, बिहार जैसे भी बिहारियों के लिए बना है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के लिए बना है, उड़ीसा उड़ीसा के लिए बना है, आपका बंगाल बंगालियों के लिए बना है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये 60 और 40 क्या है? ये हम सर सिर्फ नौटंकीबाज कर रहे हैं। वो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जाकर के देखिए, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कोई भी वैकेंसी निकालते हैं उन्होंने स्पष्ट शब्द में विज्ञापन पर लिख लेता है कि झारखंड का आपका छत्तीसगढ़ का जो निवास स्थानीय निवासी होंगे वही वहाँ का अभ्यर्थी को एग्जाम के लायक होंगे। बिहार में जो भी कोई भी वैकेंसी आती है वहाँ पर उन्होंने साफ शब्दों में आप विज्ञापन में लिख देता है जो बिहार के स्थानीय निवासी होंगे वही यहाँ का आपका एग्जीक्यूटिव होगा जो एग्जाम लिखेंगे। तो झारखंड में 60 और 40 क्यों भाई? मतलब 60% हम लोग झारखंडियों के लिए और 40% पूरा ऑल ओवर इंडिया। एक तो इसी के लिए दिन के लिए आज हम लोगों ने अलग झारखंड के लिए हमारा पूर्वज ने लड़ा लड़ा था इसी दिन को देखने के लिए। आदिवासी दलित पिछड़ी आते यहाँ का मूलवासी लोग यही दिन के लिए देखने के लिए। हेमंत सोरेन ने सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक से राजनीति किया है। संथाल परगना अब जग चुका है। हेमंत सोरेन अगर उसको बचाना चाहता संथाल परगना सीट को 18 सीट को रिजर्व सीट को जिस जगह से अपना गढ़ बाप का गढ़ समझता है इसको बचाना है तो इस कल से सत्र शुरू होने सत्र में यहाँ के आपका खतियान आधारित नियोजन नीति यहाँ बनाए और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। अन्यथा आने वाला 24 में हेमंत सरकार को हम लोग संथाल परगना से भगाने का काम करेंगे। और जिस तरह आपका रामगढ़ उपचुनाव में हमारे जैसे लुगुआ साथी ने इलेक्शन लड़ने का काम किया था संथाल परगना भी हजारों हजार छात्र इलेक्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अगेंस्ट में एक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और इस सत्र में अगर नहीं लागू करता है सड़क से सदन तक छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उसका जिम्मेदारी जिस तरह हम लोग CNT SPT एक्ट में पूरा जोर जो के जुल्म के टक्कर में रघुवर दस को कुर्सी से फेंकने का काम किया था उसी तरह हम लोग भी संथाल परगना से हेमंत सोरेन का सुखड़ा साफ करने का हम लोग संकल्प लिया। और इसी के साथ हम लोग आज नहीं होगा तो हम लोग आर्थिक नाकाबंदी पर उतरेंगे, इसके जिम्मेदारी सारे जिम्मेदारी हेमंत सोरेन होंगे। श्याम देव हेमराम छात्र समन्वय समिति के सदस्य। दुर्भाग्य है कि आज इस हिसाब से सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है और जिस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है वो भाई ये केवल झारखंड के छात्रों से नहीं बल्कि ये यूपी बिहार बंगाल वालों के छात्रों से पूछा गया है और उसका डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये झारखंड झारखंडी के लिए बना है, क्योंकि बंगाल बंगालियों के लिए, उड़ीसा उड़िया के लिए, असम असमियों के लिए, तमिलनाडु तमिलों के लिए बना है। ये झारखंड क्यों चरगाह बनाया जा रहा है? झारखंड को चरगाह ना बनाया जाए। यहाँ का छात्र जाग चुका है क्योंकि आज जिस हिसाब से 60-40 किया गया है, 60 झारखंडियों के लिए और बाहरियों के लिए 40, उसमें से भी यदि देखा जाए जो 60 है वो भी हमारे झारखंड वासियों के लिए नहीं है। क्योंकि देख बताया जाता है कि जो यहाँ बाहरी लोग यहाँ पे जो नौकरी करते हैं, जो किसी भी रोजगार के लिए आए हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, यदि वो ट्रेन से भी गुजर रहे हैं तो वो भी झारखंड की सीमा में यदि पैदा हुए तो वो भी झारखंडी हैं। कहीं ना कहीं ये झारखंड वासियों को ठगने का काम किया जा रहा है और ये नीति हम लोग नहीं चलने देंगे। चूँकि यथाशीघ्र यदि इसको यदि नहीं चेंज करते हैं, यदि संसाधन नहीं करती है तो ये छात्र समन्वय समिति पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन करने के बाध्य होंगे और ये सरकार खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि छात्र आज जान चुकी है ये कि हमारा हक और अधिकार को पूरे बाहरियों को यहाँ पे लाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे नौकरियों को बांटने का काम किया जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उग्र आंदोलन के लिए पूरे छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। झारखंड में नहीं चलेगा।
सर 40 नियोजन नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सर 40 नियोजन नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।